نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين يا معشر الجن والانس اے جنو انس کے گروہ ان استطعتم اگر تم استطاعت رکھتے ہو یعنی اللہ تو تمہارے لیے ان قریب حساب شروع کرنے لگا ہے لیکن اگر تم طاقت رکھتے ہو نا تو جاؤ بھاگ جاؤ भागो किनारों से आसमानों के और जमीन के किनारों से भाग निकलो तुम भाग नहीं सकते मगर एक सुल्तान के साथ एक यानी जोर के साथ। यहां पे माशर अल जिन और इंस को चैलेंज किया गया है कि अगर तुम अल्लाह की कानून से उसकी कुदरत से उसकी जो हदूद है उसने तुम्हारे लिए कायम की है उनसे निकल सकते हो ना तुम अपने आप को बहुत बड़ी चीज समझते हो तो सब मिल जाओ और निकल के देखो कि तुम निकल सकते हो। इंसान को बेबस कर दिया तो तुम्हारा कोई जोर नहीं है। तुम समझते हो ना तुम्हारे पास बहुत जोर है तुम अल्लाह के मुकाबले कर लोगे या तुम नहीं आओगे क्यामत के दिन हिसाब देने के लिए। अल्लाह ताला तुम्हारा हिसाब करना चाहता है लेकिन तुम नहीं कराना चाहते। तुम अपने आप को आजाद समझते हो बड़े ताकतवर समझते हो अल्लाह से भागना चाहते हो दूर भाग के देख लो इस जिंदगी में तो इंसान भागता है ना अल्लाह से दूर। अल्लाह ताला कहते हैं जाओ भाग के देख लो जमीन के किनारों से निकल जाओ आसमान के किनारों से निकल जाओ अपनी इस गैलेक्सी से निकल के देख लो कहां जा सकता है। मैंने आपको बताया इंसान तो अभी पहले आसमान के नीचे ही है अभी तो और ऊपर 6 आसमान है। हम तो इस पहले आसमान के नीचे की चीजों को ही नहीं जान सके जान भी नहीं सके तो निकलना कहां है। हम तो ये चांद से आगे नहीं कदम रख सके तो कहां जाएंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया नहीं जा सकते इवन जिन्नात भी नहीं जा सकते। हम सोचते ना जिन्नात के पास बहुत ताकत है पता नहीं वो कहां तक घूम आते नहीं वो भी यहीं तक घूमते हैं आगे वो जाएंगे तो आगे आ रहा है कि उनके लिए भी क्या है वो भी नहीं जा सकते उनकी भी लिमिटेशन है वो भी इससे आगे गए तो जला मारे जाएंगे। और जब ज़िहाक फरमाते हैं कि जब क़यामत का दिन आएगा ना तो अल्लाह ताला आसमाने दुनिया को हुक्म देंगे और वो अपनी चीजों समेट फट जाएगा और फरिश्ते उसके किनारे पर खड़े होंगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला आसमाने दुनिया के साथ वाले आसमान के फरिश्तों को हुक्म देगा वो भी आके हाजिर हो जाएंगे जमीन वाले फरिश्ते भी हाजिर हो जाएंगे उसमें तीसरे चौथे पांचवें छठे सातवें आसमान के सबके फरिश्तों को अल्लाह ताला हुक्म देगा और सब जमा हो जाएंगे सब सब दर सब खड़े होंगे। अल्लाह अकबर। तो तुम तो सोचते हो कि तुम बहुत ही बड़ी चीजें हो बहुत ताकतवर हो तो जाओ फिर जाओ अल्लाह की पकड़ से निकल जाओ भाग जाओ कहीं और चले जाओ कहीं और आजिज करके देख लो अल्लाह को कि तुम कर सकते हो नहीं कर सकते। इसके लिए बड़ा ही जोर चाहिए और दूसरा माना इसका ये किया है सुल्तान का इज़्ज़न चाहिए अल्लाह का। यहाँ पे ये एक एक्सेप्शन क्यों दी गई इल्ला भी सुल्तान भाग सकते नहीं हो मगर सुल्तान के साथ भाग सकते हो यानी अगर तुम्हारे साथ कुव्वत है जोर है गलबा है ताकत है फिर भाग सकते हो। और वो ये किस लिए एक्सेप्शन रखी गई क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो परवाज फरमाई थी आसमानों के ऊपर तक तो हम फिर कहें कि वो फिर क्या वो भी फिर नहीं जा सके थे क्योंकि अल्लाह ताला ने तो फरमाया कोई जा ही नहीं सकता कोई निकल ही नहीं सकता कतार से आसमानों के और जमीन के तो फिर ये तो आयत बताती है कि फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर कैसे गए। तो यहाँ पे इसीलिए फरमा दिया गया इल्ला दी सुल्तान जिसके साथ सुल्तान हो वो जा सकता है यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवाज हुई थी वो वहां तक पहुंचे थे।
सब यही आला है रबी कुमार तो कसीवान, फिर तुमने रब की कौन कौन सी नियमतों को झुठलाओ। इस आयत के बाद ही अब आ रही है यानी जहन्नुम की और आखरत की बातें शुरू होने वाली हैं। युरसिलु अलैकुम शुवाज़ुम मिन नार वा नुहासुन फला तुंतसिरान, छोड़ दिया जाएगा तुम पर शोला आग से और धुआं, फिर तुम ना मुकाबला कर सकोगे। ये भी जो जिन्नात का मैंने आपको बताया कि वो भी जब ऊपर जाते हैं तो उनके ऊपर भी यानी ये मारे जाते थे शहाब भी, और ये तो तुम अल्लाह के सामने कुछ भी नहीं हो, उसका मुकाबला नहीं कर सकते। कयामत के दिन भी कोई भाग नहीं सकेगा, आपके शोले होंगे और धुआं होगा, यहाँ पिघलावा तांबा उनके ऊपर उंडेल दिया जाएगा। अब ये मैदान माशर से किसी ने भागने की कोशिश की उसके लिए भी हो सकता है, जो जिन ऊपर जाते हैं उनको भी मारे जाते हैं, तो तुम निकल कहां सकते हो, भाग कहां सकते हो। यहाँ पे भागने वालों को बताया गया ना, किधर भागोगे, जाओगे कहां, हर तरफ तो अल्लाह की बादशाहत है। फबी यही आला रबी कुमार तो कतिबान, तुम अल्लाह की फिर कौन कौन सी कुदरतों को जुटलाते हो। यहाँ पे अल्लाह की कुदरत को तुम समझो कि अल्लाह की कुदरत कितनी है। यहाँ पे आला का माना इस तरह से हम समझें कि कुदरत के मानों में आया है, तो ये और दूसरी बात क्या है नेमत की, इसके अंदर फिर क्या बात है। यानी ये अल्लाह ताला का तुम्हें पहले से वॉर्न कर देना, ये बातें बता देना कि तुम बाद में ना पछताओ, ये कितनी बड़ी अल्लाह ताला की नेमत। कोई आपको कह दे कि जी उस रास्ते पर आप जाएंगे तो वहां पे तो इतना ट्रैफिक है, जो जाता है स्टक हो जाता है, 6-6 घंटे से लोग खड़े हुए वहां पे, तो आप उसकी इतनी शुक्र गुजार होते हैं, हाय तुमने कितना अच्छा मुझे बता दिया, अगर मैं जाके वहां पे फंस जाती तो हमारा क्या होता, तुमने तो मुझे दूसरा अच्छा रास्ता बता दिया। अल्लाह ताला इतनी बड़ी आग से बचाने के इंतजाम को फरमा रहे हैं, इतनी बड़ी वार्निंग दे रहे हैं, देखो ये काम ना करके आना वरना ये आग है, फिर कहीं भाग नहीं सकोगे। इंसान को तो शुक्र गुजार होना चाहिए, ये एहसान है अल्लाह का, उसने बता दिया। फ़ाइदन शक्कत समा फकानत वर्दतन कद्दिहान, आसमान की हालत उस दिन क्या होगी, जमीन तो कूट कूट के बिल्कुल चूरा चूरा करती जाएगी ना, और आसमान क्या होंगे, वो फकानत वर्दतन कद्दिहान ऐसे होंगे जैसे सुर्ख गुलाब होता है और तेल की तिलछट की तरह या सुर्ख चमड़े की तरह, दोनों चीजें ध्यान में आती हैं। आसमान का रंग बताया गया है यहाँ पे। अगर आपसे कोई पूछे कि कयामत के दिन आसमान का रंग क्या होगा, अस्तग़फिरुल्लाह, तो सुर्ख होगा बिल्कुल। और देखें ये जो इस वक्त आसमान का रंग है ये बहुत सूदिंग है तबीयत के लिए, बहुत इंसान को सुकून देता है, बल्कि दिल करता रहता है कि आसमान की तरफ देखे जाए। लेकिन कभी आपने देखा है कि बाज दफा सूरज जब गुरूब होता है तो मगरिब की तरफ बहुत सुर्खी होती है, वो सुर्खी भी इंसान को परेशान कर देती है। तो कहां ये कि पूरा आसमान ऐसे हो जैसे सुर्ख खून होता है, जैसे गुलाब का रंग सुर्ख होता है, अब वो कितना हॉरेबल लगेगा। इमेजिन करके देखें कि ऊपर तबाही हो रही है और बिल्कुल रेड है आसमान, क्या हालत हो इंसान की। अब यही आला रब्बी को मा तो कज़्ज़िबान, अब फिर सोचो अल्लाहु अकबर, जिस रब ने आज इस नीले आसमान तले तुम्हें रखा हुआ है कि तुम इससे सुकून पा रहे हो, उस दिन ऐसा सुर्ख हो जाएगा। सोचो आज ही तुम कितने सुकून में बैठे हो, अगर आज अल्लाह सुर्ख कर दे वैसा तो क्या हो, फिर तुम अल्लाह की इस नियमत को नहीं समझते, कितनी सुकून है तुम्हारे लिए, कितना आराम है तुम्हारे लिए। आज देखते भी हो इसकी तरफ तो अच्छा लगता है, तुम ये नहीं सोचते ये क्या नेमत नहीं है तुम्हारे पास। फयौमा इज़न ला युसअलु अन ज़म्बिहि इंसुन वला जान, फिर उस दिन नहीं पूछा जाएगा गुनाह के बारे में किसी इंसान से और ना जिन से, यानी उससे नहीं पूछा जाएगा। क्या नहीं पूछा जाएगा, हम दूसरी जगह तो कुरान पाक में पढ़ते हैं कि इंसानों से पूछा जाएगा, सवाल किया जाएगा,
और यहाँ पे कहा गया कि नहीं पूछा जाएगा। तो असल में कयामत का दिन इतना लंबा है, किसी जगह तो सवाल होगा और किसी जगह सवाल नहीं होगा। जैसे सूरह कसस में भी वला युसअलु अन ज़ुनूबिहिम अल-मुजरिमून, मुजरिमों से उनके गुनाहों के मुतल्लिक सवाल नहीं किया जाए। और दूसरी जगह है कि कसम है तेरे रब की, इन सबसे जरूर सवाल होगा। तो इतना लंबा दिन है, किसी वक्त सवाल है किसी वक्त नहीं है। लेकिन जिस वक्त सवाल किया जा रहा है तो वो भी एक मुसीबत है, और जिस वक्त नहीं पूछा जा रहा कुछ भी तो वो भी एक मुसीबत है। और बाज़ उलमा ये फरमाते हैं कि जब जहन्नुम में डाला जाने लगेगा फिर ये नहीं पूछा जाएगा क्यों किया तुमने ये, उनसे वजह नहीं पूछी जाएगी। अब बस खत्म हो गई बात, वो बताना चाहेंगे, वो चीखेंगे हमने इसलिए कर दी, हमारी ये मजबूरी हमारी, उनसे पूछा ही नहीं जाएगा, उनसे बात ही नहीं की जाएगी। फबियाई आलाई रब्बिकुम तुकज़्ज़िबान। अरे वहां पे देखें ये अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है कि अल्लाह ताला आज सब का आमालनामा तैयार फरमा रहे हैं जिसके तहत ही सवाल जवाब होगा। ये भी एक नेमत है, किसी से ऐसे ही बिला वजह से किसी को जहन्नुम में नहीं डाल दिया जाएगा, किसी से कलाम बंद नहीं कर दिया जाएगा। युराफुल मुजरिमून बिसीमाहुम, मुजरिम अपनी निशानियों से पहचान लिए जाएंगे, या सीमा का मतलब चेहरों से, अपनी चेहरों से पहचान लिए जाएंगे। फयुखदु बिन्नवासी वला कदम, तो वो पकड़े जाएंगे अपनी पेशानी के बालों से और अपने कदमों से। मुजरिम कैसे चेहरों से पहचाने जाएंगे, जैसे मोमिन चेहरों से पहचान लिए जाएंगे, मोमिन के वुजू के निशान होंगे, जो पहचान होंगे उनकी के ये है उम्मती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उनके आज़ा चमक रहे होंगे, उनके चेहरे रोशन होंगे, सफेद होंगे। इसी तरह मुजरिमों के चेहरे स्याह होंगे, वहशत होगी, नीले होंगे, उनके चेहरों के ऊपर जो असरात होंगे वो बता रहे होंगे। और बाज कहते हैं कि उनके चेहरों पे या उनके आज़ा पे वुजू के निशान नहीं होंगे तो पहचान लिए जाएंगे कि ये काफिर थे इस उम्मत के। अल्लाह अकबर। तो ये जब निशानियों से पहचान लिए जाएंगे मुजरिमीन, तो इनको पकड़ा जाएगा, इनको पकड़ा जाएगा और इनको जहन्नुम में डाला जाएगा। और कहां से पकड़ा जाएगा, पेशानी के बालों से। आपको पता है ये जो चेहरा होता है इंसान का, ये उसकी इज्जत होती है। कोई बाजू से खींच के भी लेकर जाए ना धक्के देते हुए, तो उसमें भी इंसान जिल्लत महसूस करता है। और कहां सोचें किसी को अगर आप देखें कि उसके ये पेशानी के ऊपर, यानी जो फोरहेड के ऊपर, ये जो जहां से बाल शुरू होते हैं हमारे, यहां से किसी को पकड़ा जाए और खींचा जाए तो उसकी हालत क्या हो जाए, सिवाय चीखो पुकार के तो और कुछ नहीं सुनेगा। बाजू से पकड़ के लेकर जाएंगे तो शायद इतना नहीं, कोई चीख नहीं चिल्लाएगा, लेकिन यहां से पकड़ा जाएगा तो कितनी जिल्लत होती है उसके अंदर। और कदमों से भी पकड़ लिया जाए, बाज कहते हैं कदमों को पेशानी के बालों के साथ जोड़ के बांध के और फिर खींचा जाएगा। बाज कहते हैं पेशानी के बालों से और कभी पैरों से खींचा जाएगा। और पैरों से खींचना भी कैसा होता है, किसी को अगर ऐसा देखें जो हम बहुत, अल्लाह ताला माफ करे, जो बहुत टॉर्चर की कोई वीडियोस भेज देते हैं लोग और ऐसे उसके अंदर देखते हैं कि किसी को खींच के ले जाया जा रहा है, देखा भी नहीं जाता। यकीन करें कि वो सीन देखना अपने फोन पे भी ना वो आसान नहीं है। कहां कोई इसके अंदर इस जिल्लत में मुब्तला हो। जहन्नुम का अज़ाब तो बाद में दिया जाएगा, जो यहां से ही उनको खींचा जा रहा है वो ही काफी है उनकी जिल्लत के लिए। अल्लाह अकबर। तब उनसे कोई सवाल नहीं किया जाएगा। देखो दुनिया में इंसान जरा जरा सी बात पे सोचता है, हाय मेरी बेइज्जती हो गई,
फलां के सामने मुझे ऐसा क्यों कह दिया, फलां खड़ा हुआ था आपने मुझे ऐसे क्यों बुला लिया, आपने मेरे से ऐसे बात क्यों कर ली। और वहां की जिल्लत देखो कि ये भी दुनिया के बड़े बड़े मौजज लोग होंगे, ये भी दुनिया के बड़े बड़े काबिल एहतराम और बड़ी कुर्सियां रखने वाले लोग होंगे, बड़ी बड़ी बेगम साहिबात होंगी, बड़े बड़े साहब जी होंगे, और उस दिन जिल्लत कैसी होगी। सब यही आला रब्बी कुमार तो कसी पान, जिसको उस दिन अल्लाह ताला ऐसी जिल्लत से बचा ले उसके लिए कितनी बड़ी नेमत है, जिसको अल्लाह ने ये दुनिया में बता दिया उसके लिए कितनी बड़ी नेमत है। और काफिर के साथ जब ये होगा तो ये मोमिन के लिए नेमत है, इसलिए कि यही वो काफिर थे जिन्होंने दुनिया में सताया था और दीन पे चलने नहीं दिया था। तो अल्लाह अहले ईमान के दिल को ठंडा करेगा, इसलिए फरमा दिया ये भी एक नेमत है। हाज़िही जहन्नम अल्लती युकज़्ज़िबु बिहा अल-मुजरिमून, ये है वो जहन्नम जिसको झुठलाते थे मुजरिम। यही आयत आई थी ना सूरह यासीन में, कहते थे ना कि दुनिया में कहा करते थे ये क्या आग की बातें करते हो, अजाब की बातें करते हो, कोई वहां पे अजाब अजाब नहीं होगा, ये ऐसे मौलवियों के ढकोसले हैं, ऐसी बातें हैं, ऐसी बनाई हुई है डराने के लिए, बस डराते रहते हैं, कुछ नहीं होता वहां पे, कुछ नहीं है ऐसा, कोई जहन्नुम मामनुम नहीं है। उस दिन जिस जहन्नुम का इनकार करते थे मुजरिम, उसके पास खड़ा करके पूछा जाएगा यही थी ना वो जहन्नुम जिसका तुम इनकार करते थे, यही थी ना जिसको तुम नहीं मानते थे। यतूफून बैनहा व बैन हमीमिन आन, अब गर्म पानी खोलते पानी और आग के दरमियान चक्कर लगवाए जाएंगे, यानी इतनी प्यास लगी। जब इंसान कब्रों से उठेंगे ना तो सबसे पहली चीज जिसकी जिस तकलीफ में वो मुब्तला होंगे वो प्यास की शिद्दत होगी, प्यास इस कदर ज्यादा लगेगी, तभी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज से पानी मिलेगा मोमिनों को, उनके उम्मतियों को, क्योंकि प्यास बहुत ज्यादा होगी और सबको ही प्यास लगी होगी, चाहे वो काफिर है मोमिन है, लेकिन जो पानी उसका पी लेंगे उनको फिर कभी नहीं प्यास लगेगी। तो वहां पे भूख की नहीं बात की गई, प्यास की बात की गई, इस कदर ज्यादा बड़ा अजाब प्यास का होगा। और फिर कहां जहन्नुम के अंदर डाल दिया जाए जो इतनी शदीद आग है, अब वहां पे पीने की चीज कोई और है नहीं, जो मशरूब इनको दिए जाएंगे, अब पीना तो होगा, अब जो मशरूब जिन तक पानी तक ले जाया जाएगा, आग के अंदर जो पानी है वो भी कौन सा पानी होगा, खुद सोच लेना आप, ये पानी तो नहीं, दुनिया वाला पानी तो नहीं हो सकता, ये तो आप बॉयल करते हैं तो ये तो एवरेट हो जाता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। उस आग वो जो खुद आग कितने सेंटीग्रेड है वल्लाहु आलम, इस आग से तो बहुत ज्यादा 70 गुना ज्यादा वो आग है। अब मुझे बताएं कि उस आग में ये पानी तो रह ही नहीं सकता, फिर अब अल्लाह बेहतर जानता है कि वो पानी जो है वो पत्थरों को पिघलाया हुआ है जो पानी बन गए, कोई और धात है जिसको पिघला के पानी बनाया गया है, तो लिक्विड फॉर्म में की, पानी तो नहीं कह सकते, लिक्विड फॉर्म में किया गया। अब उस लिक्विड फॉर्म को वो पीना चाहेंगे तो उसके एक घूंट लेंगे उससे उनका सारा गोश्त पोश गल सड़ के गिर पड़ेगा नीचे, आंतें कट के पीठ के रास्ते कदमों में पड़ जाएंगे। तो वो पीना भी अजाब है, ये नहीं कि वो एक थोड़ी देर के लिए एक उनकी राहत का सामान हो जाए, नहीं, वो पीना भी अजाब है। अल्लाहु अकबर, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार। अब इनसे तंग आके कहेंगे अब हमें आग की तरफ ही ले जाओ, आग की तरफ ले जाए जाएंगे, फिर वहां से प्यास लगेगी, फिर इस तरफ लाए जाएंगे, फिर वहां ले जाए जाएंगे, वो इसी तरह चक्कर काटते ही जाएंगे, ये चक्कर खत्म नहीं होंगे। सर के ऊपर भी खोलता पानी डाला जाएगा और पीने के लिए भी वही खोलता पानी, पानी मतलब लिक्विड, ताकि अब ये ना सोचे कि यहां का पानी होगा, शायद वो बॉइलिंग वाटर दे दिया जाए, नहीं, वो लिक्विड है मगर खोलता हुआ, किस चीज का लिक्विड है वो नहीं पता,
वो जो भी लिक्विड रह सकता होगा आग पे। अब यही आलाई रब्बी कुमा तो कद्दी बांध, जहन्नम नेमत नहीं है, मगर फिर इसके लिए क्यों ऐसे कहा गया? ताकि लोग बच जाएं, तुम इसके बचने का इंतजाम कर लो। देखो अल्लाह की ये कितनी बड़ी नेमत है, वो तुम्हें बता रहा है कि वहां पे ऐसी जहन्नम है, वो तुम्हें ये हालात बता रहा है, वो फिर भी क्या तुम इसके लिए तैयारी नहीं करोगे कि इससे बच जाओ? क्या फिर भी तैयारी नहीं करोगे? फिर भी नहीं मानोगे? फिर भी समझोगे नहीं? इतनी बड़ी अल्लाह की नेमत है तुम्हारे ऊपर, तुम्हें इस दुनिया में बता दिया। और ये तो अभी जो जो पानी है, ये तो अभी नुजुल है, ये तो अभी पहली मेहमानी है इनकी। अभी आगे के जो अजाब है, आगे के जो खाने पीने हैं, वो कोई नहीं समझ सकता कैसे हैं। जितने अल्लाह ताला ने जहन्नुम की बातें बताई हैं, वो भी ऐसी हैं कि इंसान उनका तसव्वुर इस दुनिया में नहीं कर सकता। और जो जन्नत की बातें हैं, उनको भी अगर हम जितना भी चाहें कि यहाँ पे हम किसी तरह इमेजिन कर लें, तो नहीं कर सकते। दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं। और ये जो आपने अभी पढ़ा है, क्या आप इसको रिलेट कर सकते हैं पहली आयत से? लिंक बना सकते हैं ना अब कि वाकई अल्लाह तेरी कितनी बड़ी रहमत है कि हमें यहाँ जगा दिया तूने, हम तो सो ही रह जाते। सुभानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक।